guys, welcome to MB's Man Cave and it's that time again. जब हम करेंगे comparison दो बहुत ही बेहतरीन and overrated whiskies का, Dalmore versus Rampur. रामपुर विस्की से थोड़ा सा obsessed हो गया हूँ मैं recently. सारा दिन पढ़ता रहता हूँ उसके बारे में. आई एम रियली क्यूरियस टू नो कि क्या स्ट्रैटेजी है इस विस्की के पीछे एंड क्या ये विस्की दूसरी और विस्कीज जो इस प्राइस रेंज में आती हैं उनके साथ कंपीट कर सकती है या नहीं. पहले हमने कंपैरिजन किया था ग्लेनफिडिक एंड ग्लेनलिवेट 12 वर्जन के साथ एंड आई फाउंड रामपुर टू बी फार मोर सुपीरियर विच वॉज एक्सपेक्टेड. उसके बाद हमने कंपैरिजन किया मैकेलन विस्की के साथ एंड आई फाउंड मैकेलन टू बी बेटर. मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा बेटर बट इट वॉज डेफिनेटली बेटर मोर सूटेड फॉर टू माई प्रेफरेंस. और आज हम कंपेरिजन करेंगे डैलमोर विस्की के साथ. अगेन दोनों ही विस्कीज सिमिलर प्राइस पॉइंट की हैं. दोनों ही विस्कीज को थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड माना जाता है एंड मोर इम्पोर्टेंटली विल फिगर आउट कि हम टेस्ट करते हैं दोनों विस्कीज को तो क्या डिफरेंसेस हैं दोनों विस्कीज में, किस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं. एट दिस टाइम मैंने इतनी ज़्यादा पी लिया रामपुर, इतना टेस्ट कर लिया कि आई कैन 100% गेस कि कौन सी होगी रामपुर. सो आई नो कि कौन से ग्लास में कौन सी विस्की है. सो दिस विल बी मोर लाइक अ कंपेरिजन बिकॉज एज ए सेड ब्लाइंड टेस्टिंग चाहे हम करें ना करें इट विल नॉट मेक अ डिफरेंस एट दिस पॉइंट फॉर मी. सो इस ग्लास में है रामपुर विस्की और इस ग्लास में है डैलमोर. कलर दोनों विस्कीज में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है. दिस इज़ अ लॉट मोर डार्कर जो कि बॉटल से भी आप देख के बता सकते हैं. और अगेन अगर ब्लाइंड टेस्टिंग करें और यू कैन ईजिली फिगर आउट कि कौन से ग्लास में डैलमोर है और कौन से ग्लास में रामपुर है. बट मोर इम्पॉर्टेंटली ये जो कलर है इसका दिस इज 100% नेचुरल और इसमें आर्टिफिशियल कलर का यूज़ करा गया है. थोड़ा खुला हाथ रखा है उन्होंने आर्टिफिशियल कलर का यूज़ करते वक्त. ये मैंने कंप्लेन करी थी लास्ट टाइम भी जब हमने रिव्यू किया था डैलमोर विस्की का. इफ़ यू हैवंट वॉच्ड इट देन डू चेक इट आउट. फिलहाल शुरू करते हैं हमारी टेस्टिंग. लेट्स स्टार्ट विद रामपुर. और दोस्तों आज के वीडियो को स्पॉन्सर करने के लिए मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ ई बुक सिंपल लॉजिक फॉर शेयर मार्केट को, जिसे लिखा है शिवराज मात्रे जी ने. इस बुक से वो समझाते हैं कि कैसे आप भी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है आपको शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने का और घबराते हैं. तो इस बुक से जो जनरल स्ट्रैटेजीज होती हैं, बेसिक कंसेप्ट होते हैं शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट के, वो आप आसानी से समझ सकते हैं. एक ई बुक है जिसे उन्होंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिखा है, अमेजोन पर अवेलेबल है, तो इसे आप अपने मोबाइल पर डाउनलोड कर सकते हैं एंड इट्स अवेलेबल फॉर ओनली ₹49. So go check out the book Simple Logic for Share Market. The link is in the description. Again, starts off very sweet, very floral. It's not, मैं बोलूँगा कि it's not very unpleasant, but जितना बार मैं पी रहा हूँ रामपुर बार बार आई एम फॉलिंग लेस एंड लेस लव विद इट. इट्स प्रॉब्ली बिग जस्ट अ बिट टू स्वीट फॉर मी. और स्वीटनेस भी जो होती है विस्की की इट्स मोर टूवर्ड्स द फ्लोरल साइड और मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं आती. इट्स ऑलमोस्ट परफ्यूमी. विल गेट टू द फिनिश एंड कॉम्प्लेक्सिटी. लेट्स कंपेयर इट विद डैलमोर. I will have to say that Dalmore is a lot more closer to Rampur than Macallan. Again, very sweet on the palate, slightly floral, slightly a bit of raisins जो मुझे taste में आए and has a tinge of spice जो end में आपको feel होता है. आई हैव टू से कि अगेन दो कंपेरिजन दो विस्कीज में अगर हम करें तो दिस लुक्स अ लॉट मोर क्लोजर. लेट्स गिव इट अनदर टेस्ट.
One thing is for sure that this is very easy going whiskey, very easy to sip. Of course, there are complexities in this whiskey. Finish is also fairly decent. But if you are not used to that strong syrupiness, floralness, like sweetness almost feels artificial, then you will be disappointed. But if you like some whiskies jisme ye elements hote hain, ye characteristics hote hain, then you will definitely enjoy it. I don't mind it, but it's just a bit too much. But ye kahan tak baithti hai, let's try and figure out one more time. I have to say that start jab hoti hai whiskey goes on a very similar path. Syrupy, has a bit more fruity sweetness as compared to floral. Also it's quite perfumey, not as perfumey as Rampur. Thoda ek limit tak rehti hai whiskey. Ye whiskey to kehti hai ki hum jo bhi karenge hum khule dil se karenge. But I would say that Dalmore is a bit more balanced. The spices really come out quite well. Wahi Rampur mein shayad wo spices, shayad wo complexity itne acche se bahar nahi aa pati hain. But as I said, this is definitely a bit more of a close call. Agar hum Macallan se compare kare, I think Macallan was definitely a clear winner. Is blind tasting mein agar main, if I have to give a verdict, then I will select maybe Dalmore, bit more suited for my palate. Again, blind tastings jo hoti hain jitni bhi, they are all based on an individual's palate, and for me, I feel that Dalmore definitely tastes better for me. But at the same time, jaise maine bataya ki ye kafi zyada close call hai. Agar aapko Dalmore ka taste thoda dry lagta hai, if you want something more sweet, or if you just want to try an Indian whiskey same price range mein, then I would say that Rampur is not a bad choice. Or even agar aapko Dalmore ka taste acha lagta hai, and if you want to try another whiskey jiska taste bhi similar ho, again you can go for Rampur and you will not be disappointed. But aap log bataiye mujhe ki aapki kya choice hogi agar in do whiskies ko aapke samne pesh kiya jaye, aur kin whiskies ki comparison blind tasting dekhna chahte hain aap, mujhe ye bhi bataiye comments mein. Like kariye video ko, share kariye apne doston ke sath, channel par subscribe bhi kariye. Milte hain jaldi, tab tak ke liye cheers.